नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विप्लव और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द ट्रैवलिंग बॉन्ग। तो दोस्तों, मैं आज तक जितने भी फूड व्लॉग्स लेके आया हूं आप लोगों के पास, वो सारे के सारे बहादुरगढ़ से थे। तो मैंने सोचा कि चलो अपने डायमीटर को थोड़ा बढ़ाया जाए, कार्यस्थल को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए। तो इसी के चलते आज हम लोग जाने वाले हैं बहादुरगढ़ से दिल्ली। और अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में फूडीज़ के लिए सबसे फेमस जितने भी स्पॉट्स हैं, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो वो आते हैं सेंटर दिल्ली। तो आज हम लोग जा रहे हैं सेंटर दिल्ली करोल बाग में। जी हाँ, करोल बाग में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज हम लोग ट्राई करेंगे दिल्ली वालों का फेमस ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत पसंदीदा है हर किसी का, छोले भटूरे। जी हाँ, छोले भटूरे आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं करोल बाग के दो फेमस जॉइंट्स, जो कि छोले भटूरे के लिए काफ़ी फेमस हैं। उनके छोले भटूरे उनको खाएंगे, एक कंपैरिजन करेंगे कि खाना, ओवरऑल एम्बियंस सब कुछ मिला के एक रिव्यू जो है मैं आपको दूंगा, और आप लोग वहां पे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोग बस जल्दी से तैयार होते हैं, निकलते हैं और मिलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। ओवर हो चुका है और छोले भटूरे हमारे आ चुके हैं। सो चलिए आपको दिखाता हूँ, क्लोज लुक दिखाता हूँ। भटूरे देखिए, हाय हाय, क्या फूले फूले से भटूरे हैं। और ये भटूरे होंगे, छोले देखिए, छोले हो गए, साथ में इनकी स्पेशलिटी आंवले का अचार। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कोई फ्राइड नहीं होते, इनको बॉईल किया जाता है, बॉईल करके इसके मसाले के साथ मिक्स करके ये सर्व किया जाता है, साथ में एक हरी हरी मिर्ची और प्याज। इसके ऊपर गार्निश किया गया है छोले के ऊपर अदरक से। तो एज़ यूजुअल हम फूड ब्लॉगर्स का एक वो तो होता ही, खाना हमें बिल्कुल गर्म नहीं मिल पा, ये भी थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन स्टिल एक चीज़ बहुत अच्छी जो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा आपको कि ये जो भटूरे हैं यहाँ देखिए, बिल्कुल ऑयल नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताते हैं खाने में कैसा है। तो ये लेंगे थोड़े छोले के साथ, क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ पे भटूरे खा चुका हूँ। पहले इनफैक्ट मैं करोल बाग में ही रहता था, तो मैंने बचपन से इन्हीं के छोले भटूरे खा के बड़ा हुआ हूँ, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इनके टेस्ट में आज तक वही जो टेस्ट पहले मेरे को मिलता था, आज भी वही टेस्ट है। और साथ में ये आंवले की जो चटनी है, वो अचार है, ये टेस्ट बेस्ट डिपेंड करता है, सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। ये प्रॉपर बॉईल किया हुआ और उसको मसालों के साथ मिक्स करके आपको सर्व किया जाता है, साथ में गाजर का अचार, ये भी अच्छा है।
और यहाँ पे थोड़ा आगे लाइए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आलू के पीसेस देने में भी ना कोई कंजूसी नहीं कर रखी। ये देखिए एक ही आलू, एक ही आलू, आलू की भरमार है। तो चलिए आलू टेस्ट करते हैं, आलू टेस्ट करके बताते हैं। वसूल है, हाँ जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो वो वसूल है। यहाँ पर भटूरे कोई ऑयली नहीं है, आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं महसूस होंगे। और साथ में छोले हैं, उनकी क्वालिटी सही में बहुत अच्छी है। तो ओम कॉर्नर भटूरे अभी थम्स अप फॉर यू। जो फिलिंग है अंदर की वो देखिए, ये पिट्ठी की फिलिंग होती है यहाँ पे। और भटूरे बहुत लाइट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो यहाँ बोलूँगा कि भटूरे सही में बहुत लाइट है। इसे खा के कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया या कुछ भी ऐसा। भटूरे सही में बहुत लाइट है और ये अच्छी चीज़ है। अब इसको जो है हम फिनिश करते हैं, फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो चलिए अब आ गए हम शर्मा भटूरे वाले के पास और ट्राई कर रहे हैं उनका स्पेशल छोले भटूरे। सो सबसे पहले ज़रूरत तो इसी की है, इसको उतारते हैं। तो फिर देखिए सेम वही, थोड़ा पास रहिए, गरम गरम देखिए। क्या मस्त वाला गरम हो रखा है भटूरा। और छोले इनके वही वाले हैं। हाँ चम्मच बड़ी स्पेशल मिली है, क्या बात है। और इसके ऊपर पालक का एक ग्रेवी डालते हैं और साथ में इनकी ये मिर्ची, अचार वाली मिर्ची, सेम वही आंवला और थोड़ी प्याज। तो हाँ अगर कंपेयर किया जाए, सिर्फ भटूरों को कंपेयर करूँ तो भटूरे एज़ कम्पेयर टू से पहले जो हमने दिखाया आपको उससे थोड़े ऑयली हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बोलूँगा कि एकदम तेल वो हो रहा है, बट यस वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा ऑयली थोड़ा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और ट्राई करते हैं, इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट। इनका भटूरा भी टेस्टी है और स्पेशली छोले मैं बोलूँगा। जैसे भटूरे में पॉइंट्स मैं उस वाली वीडियो उस वाले आउटलेट को दूंगा, तो छोले के पॉइंट्स मैं इस वाले आउटलेट को दूंगा, क्योंकि जो पालक का ग्रेवी है वो डालते देने के बाद इसका जो टेस्ट है वो रियली बहुत एनहांस हुआ है। तो डेफिनेटली छोले यहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर मैं प्राइस बताऊं तो प्राइस इनका 60 rupees पर प्लेट, जो ये आज की डेट में द अमाउंट यू आर पेइंग जस्टिफाइड है। भटूरे अच्छे हैं, कम ऑयली और छोले टेस्टी हैं। आप इन छोलों को सिर्फ भटूरे नहीं और भी चीज़ों के साथ लोग खाते हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं, आगे का फिर रिव्यू आपको लास्ट में देता हूँ। तो दोस्तों हमने दोनों जगह का जो है वो छोले भटूरे आपको दिखाया और ये दोनों ही बहुत पॉपुलर है। करोल बाग में जो रहते हैं वो लोग जानते होंगे, इनफैक्ट सेंट्रल दिल्ली में भी इनका दोनों का ही बहुत अच्छा नाम है। दोनों के टेस्ट में हम बोलेंगे कि 19-20 का फ़र्क है, कि एक जहां ओम कॉर्नर के भटूरे बहुत लाइट
और विदाउट ऑयल के थे, बहुत सही लाइट लाइट महसूस हो रहा था, खा के नहीं लग रहा था कि भटूरे जैसी एक कोई हैवी चीज़ हमने खाई। छोले उनके भी अच्छे थे। शर्मा कॉर्नर के छोले में सिर्फ वो जो स्पेशल पालक का जो उन्होंने ग्रेवी डाली थी उसकी वजह से छोले का टेस्ट बढ़ गया था, लेकिन थोड़े ऑयली थे उनके भटूरे। तो अगर मैं रेटिंग दूंगा तो 10 में से 8 और 9 जाएगा, 9 ओम कॉर्नर के लिए, 8 शर्मा भटूरे के लिए। लेकिन जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, जैसे हम ओम कॉर्नर में 70 रुपीस पे करते हैं, शर्मा में 60 रुपीस पे करते हैं, तो दोनों ही जगह ऐसी हैं जो अपने अपने जो प्राइस है उसको जस्टिफाई कर रही है। तो जो भी सेंट्रल दिल्ली में रहता है वो दोनों ही जगह एक एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं ये रेकमेंड, दोनों ही जगह रेकमेंडेड है। आप ये नहीं कह सकते कि हम ओम कॉर्नर के ही बहुत अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों ही जगह बहुत अच्छी है। थोड़ा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट ओम कॉर्नर में ये रहता है कि उनका जो स्टैंडिंग स्पेस है, जहाँ अंदर मैंने दिखाया कि खड़े होकर खाने के लिए जो उन्होंने टेबल्स लगा रखे हैं, वो फैमिली के लिए अच्छी है। शर्मा यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि शर्मा ऑलमोस्ट रोड के ऊपर उन्होंने टेबल्स लगा रखी है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, गो फॉर ओम कॉर्नर एनी डे। और संडे को अच्छी खासी भीड़ होती है उसमें। आजकल थोड़ा कोरोना का चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ओम कॉर्नर का जो स्पेशल पॉइंट और मेंशन करूँगा, उनका हाइजीन वाइज बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखी है, हाइजीन अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सारे जो स्टाफ है उन्होंने भी दोनों ही जगह पे जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन दोनों ने प्रिकॉशंस ले रखे हैं। तो दोनों जगह सही लगी। 8-9 का फ़र्क, मतलब 19-20 का अंतर है दोनों जगह में। मैं रेकमेंड दोनों ही जगह करूँगा क्योंकि दोनों का ही टेस्ट अच्छा है अपनी अपनी जगह पे। तो आप ज़रूर जाएं ओम कॉर्नर करोल बाग, शर्मा कॉर्नर करोल बाग रेगापुरा, दोनों ही जगह पे जाएं, खाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो एक नए फूड ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी मैं द ट्रैवलिंग बॉन्ग आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए द ट्रैवलिंग बॉन्ग साइनिंग ऑफ।